अस्सलाम वालेकुम जी, होश मदी बड़ा मुकाबला, पांच पांच ओवर की गेम होगी। तमूर मिर्जा उमरी पेसर फहद मियां चन्नू मदे मुकाबल छोटा विकी मुल्तान, उनका साथ बिल्कुल देंगे यहाँ पे उस्ताद जहीर कालिया। बड़ी साइड है आमने सामने, छोटा विकी के साथ बैटिंग के लिए आ चुके हैं हसन चिट्टा। पांच पांच ओवर की गेम है, पहले बॉलिंग करेगी तमूर मिर्जा सरदार, उसने रन को ओवर थमा दिया गया है। सामना करेंगे छोटा विकी, उनका साथ देंगे हसन चिट्टा। बुम बुम ऑफ द बॉल क्रिकेट, तमूर मिर्जा की बैटिंग बिल्कुल बाकी होगी। उनका पहला गेंद सरदार हुसैन, सामना करेंगे विक्की, पहली गेंद पे शॉट आ गया, इंद्र मजूक मौजूद है यहाँ पे, जब तक पकड़ते हैं एक रन का इजाफा होगा। पहली गेंद पे बिल्कुल सिंगल आ गया, दूसरा गेंद शॉट खेला इस दफा हसन चिट्टा ने, पहला छक्का चिट्टा के बल्ले से, दो गेंद सात रन बन चुका जी। पहली गेंद पे छक्का लगाया सरदार हुसैन को हसन ने, इन साइड एज अच्छा गेंद, बोल जाएगा डॉट। सरदार हुसैन सामना करेंगे हसन चिट्टा, नौ रन बन चुके हैं इस दफा। फ्लावर वन अच्छा गेंद, 5000 हसन चिट्टे को बॉल करते हैं। नेक्स्ट गेंद सामना करेंगे हसन चिट्टा, 5000 आउट पे, आहा अच्छा गेंद, कोटा एक्सप्रेस, छक्का जरूर आया लेकिन उसके बाद दो लगातार गेंदें डॉट कर चुके हैं। नेक्स्ट गेंद सामना करेंगे हसन चिट्टा, इस दफा उठाया गेंद को, बिल्कुल रवाना किया 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, दूसरा छक्का, यह कैच होगा जी, यहाँ कैच आ गया जी, वापस जाना पड़ेगा चिट्टा को। ऐसा लग रहा था जैसे 6 रन हो गए हैं लेकिन बंदा कैच पकड़ गया, पहला नुकसान। इनिंग्स का दूसरा ओवर करेंगे उमरी पेसर, पहले ओवर में लगभग 9 रन बने हैं और विकेट भी छिटकाई है सरदार हुसैन ने। उमरी पेसर सामना करेंगे हसन धोनी, इस दफा स्लो ओवर वन, बॉल जाएगा डॉट। हसन धोनी उमरी पेसर दोबारा से गेंद डालेंगे, इन साइड एज, वापिस जाना पड़ेगा, दूसरा नुकसान, बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा जी बल्लेबाज को। सारी गेम अब छोटा विकी पे, जब तक छोटा विकी है तब तक एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट गेंद उमरी पेसर सामना करेंगे रईस अहमद, शॉट खेला इस दफा रईस अहमद, टीम कैप्टन, पहली गेंद पहला छक्का, रन की दाल बढ़ती 15, बिल्कुल यहाँ पे दोनों टीमों के लिए मुकाबला अहम है। छोटा विकी बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है, जानते हैं कि अगर 5 ओवर में खेल जाता हूँ तो हदफ सेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट गेंद उमरी सामना करेंगे रईस, इस दफा भी चेंज ऑफ पेस, वेरी वेल बॉलिंग बाय लाहौर एक्सप्रेस उमरी पेसर। 2 ओवर्स का खेल बिल्कुल मुकम्मल हो चुका, सिर्फ 15 रन बने हैं, तमूर मिर्जा के लिए ये टारगेट बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। छोटा विकी बामुकाबला सरदार, छोटा विकी सामना करेंगे सरदार का, इस दफा बिल्कुल अच्छा गेंद, वंडरफुल बॉलिंग सरदार हुसैन, सामना करेंगे विकी, आहा अच्छी गेंद, नपीतुली गेंदबाजी, बस्ते बांध दिए यहाँ पे सरदार हुसैन और उमरी पेसर ने। तमूर मिर्जा के लिए हदफ जो है वो 100+ होना चाहिए, इस तरह के वो बल्लेबाज हैं। छोटा विकी को वापसी करनी पड़ेगी, पहले 2 ओवर में सिर्फ 15 आया है, बहुत नपीतुली गेंदबाजी कर रही है ये जोड़ी। सरदार हुसैन वंस अगेन सामना करेंगे विकी, शॉट खेला इस दफा विकी ने, बिल्कुल गेंद को उठाया है, पहला छक्का विकी के बल्ले से, विकी जानते हैं कि हदफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर ही बात बनेगी, क्योंकि तमूर मिर्जा अपना पाकिस्तान की बैटिंग बाकी है। नेक्स्ट गेंद सामना करेंगे विकी मुल्तान, पिछली गेंद में छक्का जरूर आया, इस दफा हवा में गेंद, क्या कैच होगा, तमूर मिर्जा आसान कैच, बड़ी मछली काबू कर गए, छोटा विकी की निगाह आत्मा, बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा छोटा विकी मुल्तान को, दूसरा बड़ा नुकसान टीम शिखरगढ़ फाल्कन को, 22 पे 2 विकेट जो है वो गवा चुकी है टीम। नेक्स्ट गेंद अंपायर क्रॉस किया, शॉट खेला रहा इसने, इस दफा हवा में गेंद है, क्या कैच होगा, फील्डर मौजूद है, आसान कैच, रईस अहमद खान को भी वापस जाना पड़ेगा जी। नेक्स्ट गेंद जी शॉट खेला इस दफा, बेहतरीन शॉट लेकिन इस दफा भी कैच होगा जी, एक और आसान कैच, अस्सलाम वालेकुम जी, होश मदी, 33 रन का हदफ होगा, तमूर मिर्जा उनका साथ देंगे, FMC बॉलिंग के मौजूदा अफान ब्रेकर, 33 रन का हदफ है जी। पहला गेंद अफान टू फाहिद, पहला गेंद बिल्कुल डॉट, अफान सामना करेंगे दोबारा से FMC, दूसरा गेंद भी डॉट, वेरी वेल बॉलिंग, 4 गेंदें 5 गेंदें डॉट आ चुकी हैं, छठी गेंद पे बिल्कुल छक्का आ गया जी, पहले ओवर का खेल मुकम्मल, बिल्कुल 6 रन बन गए हैं। ज़ैदरेफ जी और सामने ब्रेड पाकिस्तान टीम तमूर मिर्जा, ज़ैदरेफ जी तमूर, पहला गेंद डॉट और बिल्कुल जनाब
अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तशरीफ लाए हैं। जैद लेफ्टी सामना करेंगे टीएम 33 बनाना था, मुश्किल कर दिया, दो गेंदें अच्छी कर गई हैं, यहाँ पे 7 रन बन चुके हैं। तमाम बल्लेबाज फंसे हुए, 33 रन का जो हदफ था बिल्कुल मैच छोड़ दिया गया है बॉलिंग साइड की जानब से और टीम जीत चुकी है तमाम मिर्जा साइड। मिलते हैं मुकाबले में, तब तक इजाजत दीजिए।